Uh, I started my journey way back in 2014. So, it was a long period of 4 5 years. Uh, so, few things I learned during the process, uh, which I am going to share with you people. Uh, the first thing, which uh, is, uh, see, I will tell something about myself. Uh, I have literally failed in every exam before uh, civil services in my life. Uh, if I talk about uh, my uh, primary education, many amu so you have uh, internal quota there. so you can get admission anywhere there because 50% seats are reserved. but i was the only one who didn't get admission in any of the course there. so i thought uh, i'll do my graduation then. so i gave, uh, after 12th, i gave uh, UP, uh, this up exam for engineering. i didn't get any rank there. at least you can get a rank in that exam. आई टुक एडमिशन इन वन ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन एंड देन आई थाट के जब उसके बाद जॉब का नहीं था तो आई थॉट कि आई एल गो आउटसाइड फ्रॉम देयर आई एल डू मास्टर्स सो आई गिव जी आर ई आई गिव आयल्स आई फेल देयर ऑल्सो आई डेंट गेट एडमिशन एनी वेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थाट आई एल गो फॉर यू पी एस सी एंड यू सी इन फोर फाइव ईयर्स में आई क्रैकड यू पी एस सी लास्ट ईयर आई गॉट थ्री फिफ्टी टू एंड दिस ईयर आई गॉट रैंक थर्ड सो जब थर्ड रैंक आया तो आई सेट इन फैक्ट लास्ट ईयर भी तो आई वॉज थिंकिंग वॉट इज द डिफरेंस कि लास्ट उस इस एग्जाम से पहले भी आई गिव मेनी एग्जाम्स बट आई डेंट क्लियर तो आई फाउंड के देर वॉज अ रीज़न क्योंकि जो पिछले एग्जाम्स थे उसको क्लियर करने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं था इधर आई वाज़ फोर्ज इन टू दैट थिंग या तो एक था एक मास कल्चर है कि यू हैव टू डू इंजीनियरिंग या पेरेंट्स का वो था तो आई वाज़ नॉट एबल टू फाइंड एनी वाई टू डू दैट सिविल सर्विसेज के लिए पर्टिकुलरली मुझे एक रीज़न मिला करने का एक रीडिंग मेरी हॉबी हौ, थी तो वो उसने मुझे इसमें पूरे प्रोसेस में रखा दैन आई फाउंड मीनिंग इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन सब चीज़ों से आई गॉट वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड मैंने पढ़ाया काफ़ी जगह तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी तो फर्स्ट लेसन विच आई लर्न इज़ अगर आपको कुछ करना है तो यू हैव टू फाइंड दैट वाई अगर आप वो वाई ढूंढ लोगे तो उसको कैसे करना है वो यू कैन फाइंड एनी हाउ तो फाइंड योर वाई इन लाइफ तो यूल गेट हाउ टू डू इट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लर्न फ्राम सिविल सर्विसेज सेकेंड थिंग विच आई लर्न इज देखो कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं कुछ नॉट सो सक्सेसफुल लोग होते हैं तो उनमें बहुत कुछ डिफरेंस नहीं होता है सब एक जैसे होते हैं बट वॉट आई हैव फाउंड इज अ बेसिक डिफरेंस इज के दे नेवर गिव अप सक्सेसफुल पीपल उनकी एक ही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है तो लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं मैंने अपने लाइफ में सिविल इनफैक्ट सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में प्रहलिम स्टेज पे मेन स्टेज पे इंटरव्यू पे आप कई बार फेलियर्स देखें तो आप उन फेलियर्स को कैसे देखते हो वो लाइफ में मैटर करता है उनसे सीख के आगे बढ़ते हो एक ऑप्शन आपके पास ये होता है या तो उनके बाद उसको एंड ऑफ द रोड समझ के ख़त्म कर देते हो तो फेलियर्स को देखना किस पर्सपेक्टिव से आप देखते हो वो मैटर करता है कि आपको सक्सेसफुल रहोगे या नहीं सक्सेसफुल रहोगे